नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। उससे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। शिवम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की तरफ से आप लोग का दिन शुभ हो और आपका ये पूरा साल अच्छे से बीते। तो चलिए, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप फोटोशॉप के यूजर्स हैं और अपने फ़ोटो को अच्छा बनाना चाहते हैं, थोड़ा से फिल्टर वगैरह लगाकर उसको और बढ़िया से बनाकर आप लैब प्रिंटिंग करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, नॉर्मल तरीके से फ़ोटो में लाते हैं और कंट्रोल एम, यानी आप इसमें क्या करते हैं, नॉर्मल तरीके से कर्व कर हाईलाइटेड इस तरीके से कर देते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन आता है आपका फ़ोटो क्लीनअप। फ़ोटो क्लीनअप का मतलब होता है कि आपका जो फ़ोटो फटने लगता है, सही दाग धब्बे जो होते हैं ये बहुत ज़्यादातर दिखते हैं, जिससे आपका फ़ोटो हो जाता है ख़राब। तो आज इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे प्लगइन के बारे में बताऊंगा जिसे आप इंस्टॉल कर आप ये सारे काम को कर सकते हैं, अपना जो फेस है इसको क्लीन कर सकते हैं। जैसा कि इसका यूज हम तब करते हैं, मान लीजिए फ़ोटो है इसको हम क्लीन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे ब्रश आप लेते हैं उसके बाद आप क्लीन करते हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि अगर आप फिल्टर यूज करेंगे तो आपको ब्रश की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि आप फिल्टर के माध्यम से ही ऑटोमेटिक यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मल तरीके से फिल्टर वाले ऑप्शन में जाते हैं और जो आपका फिल्टर है यही सारे रहते हैं, इसमें आप किसी भी फिल्टर में जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं नॉइस में जाएंगे तो इसमें एक हमारे पास आता है JPG क्लीनअप, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो आज उसी प्लगइन को आपको इंस्टॉल कर बताएंगे आप कैसे इंस्टॉल कर यूज कर सकते हैं और ये जो फ़ोटो है इसको कैसे आप क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको प्लगइन आपको डाउनलोड कर लेना है। प्लगइन डाउनलोड नहीं करने आता है तो आप जाइएगा गूगल क्रोम पे, टाइप करिएगा फोटोशॉप JPG क्लीनअप, आपका डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद आपको दिखाते हैं कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पे चलते हैं हम सॉफ्टवेयर वाले में और इसमें हमने फोटोशॉप का पहले से बना, तो यहाँ पे हमारे पास एक फोल्डर है जो कि है फोटोशॉप फिल्टर नाम से। तो यहाँ पे हम PS नाम से हमने सेव किया है, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये अगर आपको इसका सेटअप चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाकर इजी तरीके से इसका मिल जाएगा आपको इसका फाइल। अब इसको कैसे यूज करना है, यूज करने के लिए सबसे पहले इसको हम करते हैं कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिए। उसके बाद इसको कर देना है कट, उसके बाद दिस PC में आना है। दिस PC में आने के बाद आपको लोकल डिस्क सी में आना है, इसमें आपको आना है प्रोग्राम फाइल्स x86 में आना है, इसमें आपको Adobe का ऑप्शन जाएगा, इसमें आपको Adobe 7.0 में आना है। उसके बाद इसमें आपको फाइंड करना है प्लगइन्स, इसमें क्लिक करना है, इसमें आपको फाइंड करना है फिल्टर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फिल्टर्स का ऑप्शन, इसमें क्लिक करना है और उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है और पेस्ट इसमें कर देना है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यू करा है, यहाँ पे हमें कंटिन्यू कर देना है। हमारा जो प्लगइन है यहाँ पे बिल्कुल इजी तरीके से यहाँ पे आ गया है। अब चलिए इसको हम कैसे यूज करेंगे दोस्तों, अब इसको हम करते हैं यहाँ से क्लोज। अब चलते हैं यहाँ पे फोटोशॉप में ओपन करते हैं और जाते हैं फिल्टर वाले ऑप्शन में, नॉइस में जाते हैं और आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे कोई नॉइस यहाँ पे नहीं आ रहा है। इसको हम करते हैं यहाँ से क्लोज और फिर से यहाँ पे फोटोशॉप को यहाँ पे फिर एक बार इसको ओपन करते हैं, उसके बाद देखते हैं। क्योंकि प्लगइन जब भी आप इंस्टॉल करें तो सबसे पहले फोटोशॉप को क्लोज करिए, उसके बाद उसको आप ऑन करिए। तो यहाँ पे देखिए, अब चलते हैं फ़ोटो एक बार फिर से, हम यहाँ से फ़ोटो ले लेते हैं, उसके बाद हमने ओपन किया, फिल्टर में जाते हैं, नॉइस में जाते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे JPG क्लीनअप का ऑप्शन आ गया है और इसमें आप इजी तरीके से क्लीनअप कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं जितना आपको क्लीनअप चाहिए क्लीनअप ले लीजिए, ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं फ़ोटो में कितना अच्छा क्लीनअप आ गया है, बिल्कुल स्मूथ हो गया है। तो ये फ़िल्टर आप ज़रूर अप्लाई कर आप फोटोशॉप को और अच्छा से अपने फ़ोटो को बना सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर और नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।